तो ये है यार हमारा कैबिन बैग। तो कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि बताइए कि हमें कैबिन बैग में कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाथ प्लस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पैकिंग फॉर कनाडा, यानी कुछ बाथ के आइटम्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आपको इनिशियल डेज में काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर आप इंडिया से कैनेडा लेके जाते हो। तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो मैं आपको बात की आइटम्स बताऊंगा, तो ये आपको इनिशियल डेज में सर्वाइव करने में मदद करेंगी, यानी आपको जाते ही एकदम से ये जो चीज़ें हैं एक तरह की मैंडेटरी चीज़ें हैं, तो आपको इनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बैग में होंगी। तो ये है यार सारे बाथ प्लस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो ये ज़्यादा आइटम्स नहीं है, बाकी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि कौन सा आइटम किस चीज़ के लिए है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाथ आइटम्स की। तो सबसे पहले ये है हमारी नहाने वाली साबुन, तो ये मैंने दो ले लिए। इसके बाद ये है हमारी यूटेंसिल सोप, तो ये विम बार है। इसके बाद मैंने ये पांच ब्रश ले लिए थे, टूथब्रश। और इसके बाद ये है शैम्पू, तो शैम्पू की आपको बोतल अलाउड नहीं होती, जो हमारी बोतल ले लेते हैं ना हम, तो वो अलाउड नहीं होती है, तो इसलिए मैंने ये पाउच ले लिए। तो पाउच ले लेना आप, मैंने 20 लिए हैं। इसके बाद ये एक मेरे पड़ा था घर पे, तो इसका ज़्यादा वेट भी नहीं है, तो ये भी मैंने एक ले लिया था। मैंने कहा चलो ज़्यादा वेट तो है ही नहीं, वेट है ही नहीं मतलब इसका बहुत कम है। और इसके बाद ये हमारी हो गई एक टूथपेस्ट, तो ये भी आप एक ले लेना। तो ये तो हो गए हमारे बाथ के आइटम्स। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सबसे पहले ये MI का पावर बैंक लिया मैंने, 3i। तो मैंने व्लॉग भी बनाना है तो इसलिए बैटरी ख़त्म होने का कोई इशू नहीं होगा क्योंकि पावर बैंक है। इसके बाद ये मेरे पावर बैंक का चार्जर है और मोबाइल का भी चार्जर है। इसके बाद ये है सबसे ख़ास चीज़, ट्रैवल अडेप्टर, तो ये आप ज़रूर ले लेना, एक तो कम से कम ज़रूर लेना। तो ये मैंने नया मंगाया है अमेज़ॉन से। तो पहले मैंने एक और मंगाया था तो वो मुझे फ़िट नहीं बैठा, क्योंकि उसके अंदर जब मैं अपना चार्जर लगा रहा था तो अच्छी तरह से फ़िट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे रिटर्न कर कर ये नया मंगाया है। इसमें आप चार्जर भी लगा सकते हो और इसमें दो USB के पोर्ट भी हैं, यानी USB भी लग जाती हैं। तो अभी मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ कैसा होता है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये है, तो काफ़ी सही है, कलर भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो ये देखो, ये जो होते हैं ये कनाडा में लगती है ऐसी पिन, तो ये कनाडा के लिए और ये होती है बाकी कंट्रीज़ के लिए। तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये UK की साइड ऐसी लगती हैं और यूरोप में ये वाली लगती है, यूरोप के लिए ये वाली होती है। तो हमें तो कनाडा वाली चाहिए, तो कनाडा वाली है। और इसके बाद ये देखो, यहाँ पर हम अपना इंडियन मोबाइल का चार्जर लगा सकते हैं और कोई भी जो इंडियन प्रोडक्ट है उस वो यहाँ पे आसानी से फिट हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इस पे ज़्यादा हैवी वोल्टेज वाले प्रोडक्ट मत लगाना। नॉर्मल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, आपके एयरपॉड, लैपटॉप, तो जो छोटे डिवाइसेस हैं वो लगाना। ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ इसमें बड़ी वोल्टेज वाली मत लगवाना, उसके लिए नहीं है ये। इसके बाद इधर देख सकते हो आप, दो USB हैं और ये है मेरे इंडियन मोबाइल का चार्जर, तो आप इसे ऐसे फिट कर सकते हो। ये देखो, ये पूरा चला गया। तो पहले मैंने जो मंगवाया था उसमें ये पूरा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने उसे रिटर्न किया और ये मंगवाया है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपने परचेज़ करना हो। तो ऐसे हम इसको वहाँ पर
निकाल कर वहाँ पर लगा देंगे और हमारा इंडियन मोबाइल का चार्जर चल पड़ेगा। और इधर यूएसबी पोर्ट भी है, तो आप इधर यूएसबी भी लगा सकते हो, तो काफ़ी सही चीज़ है। तो एक आप ज़रूर परचेज़ कर लेना। और इसके ऊपर मुझे वारंटी भी मिली है, देखो 2 ईयर वारंटी फ्रॉम डेट ऑफ परचेज़, यानी 2 साल की इसकी वारंटी है। तो इतनी तो हमें चाहिए भी नहीं, जब तक मेरा इंडियन मोबाइल चलेगा तब तक मैं इसे यूज़ करूँगा, क्योंकि और कोई प्रोडक्ट मेरा इंडियन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ मेरा मोबाइल ही है। तो यार ये मैं भूल गया था, तो ये मैं अभी लेके आया हूँ। तो ये आप हैंगर ज़रूर ले लेना, तो मैंने ये 12 हैंगर लिए हैं, तो आप ले लेना अपने मुताबिक। तो इनकी भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कबड़ में क्लोथ्स को हैंग करने के लिए, तो ये भी आप 10-12 हैंगर ज़रूर ले लेना। तो ये है यार हमारा कैबिन बैग। तो कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि बताइए कि हमें कैबिन बैग में कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी चाहिए। तो ये जो कैबिन बैग होता है आप इसे फ्लाइट में लेके जा सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस बैग में कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी चीज़ें पैक करनी चाहिए। तो इसमें मैंने इधरली साइड की बात करते हैं हम पहले, तो ये नीचे मैंने बैग रख दिया स्कूल बैग, तो ये मैंने नया ही मंगवाया था, तो ये भी मैं साथ ही लेके जाऊंगा ना, तो इसीलिए नीचे सबसे स्कूल बैग पड़ा है। इसके बाद इधर ये शैम्पू पड़े हैं, ये बॉटल पड़ी है, इसके बाद ये है हमारी मेडिसन्स, इसके बाद यहाँ पे मैंने ये स्लीपर्स रख दिए, ये हमारा ट्रैवल अडेप्टर, और इसके ऊपर मैं इसको रख दूँगा ऐसे। तो ये साइड में मैं ऐसे रख कर, और ये मेरा एक बाथ टावल है। तो ये बेसिकली जितनी भी मैंडेटरी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे रख ली हैं, जो हमें शुरुआत में जाकर ज़रूरत पड़ेगी। तो इस साइड मैं इसको रख के ऐसे इसके ऊपर ये टावल ऐसे रख दूँगा। और इन स्ट्रिप्स को ऐसे लगा दूँगा। तो इस साइड तो मैंने आपको दिखा दिया, अब उधर की बात कर लेते हैं। तो इधर मैंने रखे हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे इमिग्रेशन पे ज़रूरत पड़ेगी। तो इनके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ट्रैवल करने के लिए। इसके बाद ये मेरा पावर बैंक हो गया, ये मेरा मोबाइल का चार्जर, और नीचे ये एक हैंड टावल पड़ा है, इसके बाद ये नहाने वाली साबुन, ये टूथपेस्ट, और ये ब्रश रख दिए कुछ, तो इधर मैंने ये कुछ रखा है। तो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर इस बैग में रखना, क्योंकि आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट्स मेरे इस बैग में, और इस बैग को ओपन करना भी काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें वेट बहुत कम है। जो दूसरे बैग हैं उनमें वेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस बैग में उनसे आधे वेट के भी कम वेट होता है। तो ये थी यार मेरी बाथ एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो दिस इज़ फॉर टुडे, इफ़ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिलो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।